ऊर्जावान होता है, इनकी अंदर ऊर्जा शक्ति ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, मकर राशि का स्वामी होता है शनि, तो मकर पृथ्वी तत्व की राशि है और जल राशि है। अब ये दोनों का गुण इस राशि में पाया जाता है। जल राशि होने के कारण वो चलायमान रहते हैं, स्थिर नहीं रह पाते, डमाडोल रहते हैं, डोलते रहते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक यात्राएं करते रहते हैं, मतलब यहाँ से जाना वहाँ जाना, मतलब उनका पहिया बंद नहीं होता है। तो एक तो चलायमान राशि है, बातचीत के दौरान भी चलायमान रहती है, बातचीत भी उनकी चलायमान रहती है, व्यवहार भी चलायमान होता है स्थिर, जैसे कोई बात कर दी तो परिवर्तन कर सकते हैं कभी, कोई पता नहीं। जल लग्न राशि वाले व्यक्ति जो बात करते हैं उसमें कभी भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्यों चलायमान है। तो एक तो ये विशेषता है, और दूसरा पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी का गुण क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी नित्या अनित्याश्च, यह गंधवान पृथ्वी होती है। पृथ्वी कभी भी उसमें स्वाभाविक खुशबू रहती है, तो ये पृथ्वी तत्व के व्यक्तियों में प्राकृतिक खुशबू पाई जाती है। तो अच्छा, क्षमावान पृथ्वी होती है, बहुत आप उनके पृथ्वी के साथ अपराध कर रहे हो, भ्रष्टा भी कर देते हो, झूठन फेंक देते हो, सब कुछ लात मारते हो, सब कुछ अपराध कर रहे हो, लेकिन वो क्षमावान होती है, क्षमा करती रहती है। लेकिन क्षमावान पृथ्वी को जब क्रोध और आक्रोश और आवेश जब आ जाता है तो भूचाल होने लगता है, यानी मकर लग्न वाले क्रोधित नहीं होते, दिखावटी क्रोधित नहीं होते हैं, इनको सब क्षमा कर दो। जब वास्तव में फाइनल में क्रोध आ भी जाएगा तो खतरनाक क्रोध होता है इनका। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होता है, तो इस प्रकार से वो भयंकर क्रोध करेंगे। जैसे पृथ्वी क्षमा करती रहेगी, जब रौद्र रूप धारण करती है तो भूचाल हो जाता है पृथ्वी को, यानी पहाड़ों को तक जो ओढ़ा के ले जाती है, तो खतरनाक काम होता है। इसलिए ये इस प्रकार के लग्न राशि वाले मकर लग्न के पाए जाते हैं। इनका इनका स्वामी शनि है मकर का, शनि सांवले रंग का है, तो इनका रंग भी श्याम वर्ण का होता है। कोई क्वचित कभी जो है सो कोई गुरु बुध शुक्र गुरु शुक्र वगैरह अगर लग्न में हो जाए या चंद्रमा हो जाए तो वो उनका गौरवण हो जाता है, बाकी प्रायः प्राकृतिक रूप से सांवले रंग के होते हैं ये मकर लग्न है। अच्छा, और एक स्वभाव मकर लग्न का, प्रेम और क्रोध अंदर ही अंदर रखते हैं, प्रकट नहीं करते। अगर आपके ऊपर गुस्सा भी है तो उनके चेहरे पर गुस्सा झलकेगा नहीं, एकदम अंदर ही अंदर तो रहेगा, लेकिन वो ऊपर से ऐसी प्रसन्नता जाहिर करेंगे आप उनके गुस्से को समझ नहीं पाएंगे। अगर वो आपको अच्छा बोल रहे हैं तो ये मान के चलो, मुंह पे आपको अगर अच्छा बोल रहे हैं तो निश्चित समझ लो कि ये बुरा बोल रहे हैं हमको, क्योंकि स्पष्टवादी नहीं होते, कुछ ना कुछ अंदर रखते हैं। अच्छा, अब एक उदाहरण है, मकर लग्न का, मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। ये उदाहरण देकर समझाता हूं, इसका जो प्रतीक चिन्ह है मगरमच्छ का है, तो मगरमच्छ जो है पानी के अंदर नदी में तालाब में ऐसा पड़ा रहता है लंबायमान होकर के, लंबा इनके लंबा कद होता है मकर लग्न वालों का, लंबा पड़ा रहता है और अपनी शिकार की टोह में रहता है। तो हम समझते हैं
कि जो है सो ये तो कोई लकड़ी पड़ी है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं करता, कोई हलचल नहीं करता और सीधा लठिया के समान पड़ा रहता है। लेकिन वो पड़ा जरूर है, लेकिन वो अपनी टोह में रहता है, वो अपने शिकार की टोह में रहता है। 1 किलोमीटर भी दूर भी उसकी शिकार है, अगर उसने जहां तक दृष्टि जा रही है तो वहां तक वो टोह करता रहता है, देखता रहता है और नीचे से अंदर से डाई भर कर सीधा उसको पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार से मकर लग्न राशि वाले व्यक्ति अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ते, उनका टारगेट एकदम फिट रहता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा निर्जीव सा बना के रखते हैं, इतना सज्जन सरल सहज बना के रखते हैं कि लोग समझ नहीं पाते। ये वास्तविक लग्न का मैं स्वरूप बता रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अब वो तो इनके क्रोध में वो हंसते हंसते किसी का बदला ले लेते हैं, वो हंसते जाएंगे और बदला लेते जाएंगे, मतलब उनके चेहरे मोरे से प्रकट नहीं दिखेगा। तो ये मकर, इसका स्वामी होता है शनि। शनि क्या है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और न्याय का देवता है शनि। इस प्रकार से शनि जब इसका राशि स्वामी होता है तो शनि के गुण इनके अंदर पाए जाएंगे, गुण धर्म। शनि के क्या गुण धर्म है, शनि के गुण धर्म होता है न्यायप्रियता, और दूसरा गुण धर्म क्या है उनका, धीमी गति से कार्य करना लेकिन मजबूती के साथ करना। लेकिन जब लग्न होने के कारण वो मजबूती बिखर जाती है, ये राशि। अब जो है तो मैं आपको मकर लग्न राशि वालों का इस महीने में गोचर ग्रह दर्शाने जा रहा हूं। मकर का स्वामी होता है शनि और शनि बैठे हैं मकर राशि में ही, अपने स्वयं की राशि पर। स्वयं की राशि पर केंद्र में अगर शनि बैठा हो या उच्च राशि का शनि बैठा हो केंद्र में, तो सस नामक राजयोग बनता है। तो अगर केंद्र में आप है तो ये सस नामक राजयोग बना के बैठे हैं, तो मकर लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए सस नामक राजयोग बना हुआ है अभी इस समय। उस सस नामक राजयोग में क्या है, धन धान से परिपूर्ण होना, कुटुंब परिवार में एकदम समृद्धि का वातावरण तैयार होना, सुख शांति बने रहना, ये सस नामक राजयोग बनाता है। वो इनको है, लेकिन साढ़े साथी भी इस समय चल रही है। साढ़े साथी चल रही है तो उसमें भी परेशानी भोग रहे हैं, क्योंकि मकर राशि पे ही चल रही है, हृदय पे चल रही है। हृदय पे चल रही तो हृदय विदारक समाचार ज़्यादा मिलेंगे, कहीं ना कहीं कोई मृत्यु हो गई, किसी को कोई कष्ट हो गया, किसी को कुछ हो गया। मतलब हमेशा जब तक ये मकर राशि पर शनि रहेगा तो मकर राशि वालों के लिए ये समाचार पूरे जून 2022 तक मिलते रहेंगे, क्योंकि वो मकर राशि पर चल रहा है। हृदय विदारक समाचार देना, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी हो जाना, स्वास्थ्य संबंधी हृदय रोग हो जाना, अस्थमा हृदय रोग है, दमा अस्थ रोग, ये सब जो है सो हृदय रोग हैं। हार्ट ट्रबल होना, ये हृदय रोग हैं। तो जो भी जितने प्रकार के हृदय रोग हैं वो मकर लग्न राशि वालों को हो सकते हैं, रोगों से ग्रसित होना। अब वो मकर लग्न राशि में हैं तो इनके पराक्रम भी ढीला चल रहा है, क्योंकि मकर में बैठे हैं, अपने स्वयं की राशि बैठे हैं, अपनी राशि पे ही हैं, तो तीसरे घर पर दृष्टि जा रही है, तो इनके छोटे भाई बहनों के प्रति इनका कोई आदर सम्मान नहीं होगा, कोई मनमुटाव हो सकता है और इनका मेहनत मन नहीं कर सकेंगे, मेहनत से ये कमजोर रहेंगे और मेहनत से कमजोर होने से पत्नी का कि स्वास्थ्य बिगड़ा है, स्वभाव बिगड़ा है, कुछ न कुछ पत्नी से संबंधित या पति से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, और कर्म क्षेत्र उनका शून्य बना हुआ है, कर्म क्षेत्र जो बना हुआ वो छूट जाएगा, ये इस महीने में ऐसा होने वाला है, मार्च के महीने में। उसके पश्चात गुरु महाराज की स्थिति क्या है, गुरु महाराज भी मकर राशि पे बैठे हुए हैं, तो वो नीच के
मकर राशि में नीच के होते हैं, लेकिन शनि साथ में बैठा है तो नीच भंग राज योग बना रहे हैं, तो खराब परिस्थिति में अच्छा फल देने वाले हो गए हैं। तो नीच भंग राजयोग में गुरु महाराज अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब वो जहाँ बैठते हैं वहाँ चिंताकारक होते हैं तो शरीर की चिंता बनी रहेगी, शरीर से संबंधित चिंता बनी। देखो शनि चिंताओं को मिटा रहा है और गुरु बना रहा है, ये स्थिति है। और गुरु महाराज की जो दृष्टि है पंचम भाव पर, संतान जीवन के लिए अच्छा सुखद समाचार दे रहे हैं। संतान सुखी संपन्न और निरोग और बढ़िया फर्स्ट क्लास आनंददायक रहेगी। और जिन संतान का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह का योग भी बन जाएगा। भाग्य के विकास में अधिक स्रोत बनने वाले हैं, अनेक स्रोतों से भाग्य का विकास होगा संतान का। अच्छा उन्हें स्वयं का, संतान का तो विकास हो नहीं है, स्वयं का भी भाग्य का विकास अनेक स्रोतों से बनेगा, नई नई सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार से एक गुरु महाराज है। और पत्नी स्थान को देख रहे हैं तो जहाँ शनि पत्नी स्थान को बिगाड़ रहा है, गुरु वहीं पर सुधार रहे हैं। अर्थात पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य बिगड़ा तो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा बड़ा रोग नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से दैनिक आय की गति को भी बिगाड़ रहे हैं लेकिन गुरु सुधार रहे हैं। तो इस प्रकार से मिला जुला फल देने वाला गुरु शनि का ये संयोग बनेगा। अब मंगल और राहु ये वृषभ राशि पे चल रहे हैं, मकर कुंभ मीन मेघ और वृक पांचवें स्थान पर हैं। तो संतान जीवन में ये पांचवें स्थान पर गुरु और मंगल, मंगल और राहु चल रहे हैं। ये दोनों संतान जीवन को बिगाड़ रहे हैं, विद्या को बिगाड़ रहे हैं, बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए भी ठीक समाचार नहीं है, क्योंकि ये महीना आपके लिए पढ़ाई में थोड़ा बाधक बन सकता है, प्रेम संबंधों में रुकावट कर सकता है, तोड़ सकता है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है पंचम में। तीनों में पंच में राहु, तीनों में पंच में शनि, तीन पांच नौ में राहु शनि, ये संतान बाधक बनते हैं, पुत्र संतान को नष्ट करते हैं। पुत्र संतान अगर होना होता तो नहीं होने पाता, कन्या की संतान होती है, ये राहु की कृपा से होता है। तो ये गुरु हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, मंगल हो गया। अच्छा केतु, केतु वृश्चिक राशि पर इस समय चल रहे हैं और आपकी राशि मकर है। तो वृश्चिक धनु और मकर यानी एकादशे सर्वलाभम, अभी जो है सो वृश्चिक राशि पर चल रहे होने से ग्यारहवें स्थान पर है, बहुत अचानक कोई लाभ देने वाला ये समय आपका मार्च के महीने में होने वाला है। अचानक कोई कार्य कभी नहीं हुए वो अचानक हो जाएंगे, तो ये अचानक होने वाले शुभ समाचार आपको मिलेंगे। तो कोई काम अभी दसों वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन अचानक जो है सो ऐसा समाचार मिलेगा कि आप भी सोच नहीं सकते कि इतना चमत्कारिक समाचार कैसे मिल गया। तो वो कार्य भी मकर राशि लग्न वालों के लिए बनने वाला है इस मार्च के महीने में। ये केतु करा रहे हैं अचानक उपलब्धि, और संतान के लिए भी सुख समाचार मिल जाएगा, संतान के लिए उत्तम प्रसिद्धि का प्राप्त स्थान मिलेगा। और गुरुदेव के बाद में अब सूर्यदेव क्या करेंगे, 14 मार्च तक तो ये सूर्य चल रहे हैं कुंभ राशि पर, आपकी राशि से दूसरे हैं, तो मकर राशि से दूसरे हैं, धन में कुटुंब में बैठे हैं, धन में कुटुंब में कुछ विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं और परेशानी कर रहे हैं। ये पूरे 14 तारीख और 14 तारीख के बाद में ये तीसरे हो जाएंगे, बहुत अच्छे होने वाले हैं। पर 14 तारीख के बाद आपके जो झगड़ा झांसे गवर्नमेंट से चल रहे हैं, कोर्ट मुकदमा पेशी को सारी चीजें आपके अनेक प्रकार से शुभ समाचार आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है। ये इस प्रकार से ये आपको समाचार देने का समाचार बताया मकर राशि वालों के लिए। और शुक्रदेव क्या कर रहे हैं, शुक्रदेव भी कुंभ राशि पर हैं, बुधदेव भी कुंभ राशि पर हैं, कुंभ राशि पर दूसरे स्थान पर होने से आपका व्यापार अच्छा चलेगा, व्यवसाय में बड़ी उन्नति होगी
और अनेक स्रोतों से लाभ होगा, नए नए व्यवसाय उद्योग आपके खुलेंगे। और शुक्रदेव क्या करेंगे, द्वितीय स्थान पर हो मैं कलात्मक भाषा संभाषण करने वाले लोगों की प्रतिभा का विकास होगा, आपके नेत्र विकार दूर हो जाएंगे और आपको ललित कला यानी व्यंगात्मक या कलात्मक वाणी आपकी निकलेगी, मुंह का स्वाद आपका सुस्वादु बनेंगे। इस प्रकार से आपका जो सो इस 14 तारीख खट्टा खाने की इच्छा होगी या मीठा खाने की इच्छा होगी, ये बुध और शुक्ल करा रहे हैं। इस प्रकार 9 ग्रह यानी चंद्र को छोड़कर 8 ग्रह आपके पूरे महीने भर मार्च के महीने में सुबह शुभ फल देने वाले हैं। मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपका ये पूरा महीना मार्च का मंगलमय बीते, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।